नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरण भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। क्या गुजरात, क्या बिहार और क्या असम, मानसून के शुरुआती दिनों में ही बारिश की हाई डोज ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। अलग अलग जिलों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि कहीं इलाके डूब गए हैं तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां पानी का सैलाब ऐसा है कि अगर आदमी इसकी चपेट में आ जाए तो चंद सेकंडों में कई किलोमीटर तक बह जाए। घरों में पानी घुस गया है, कमरे में बेड डला है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना होगा। घर से बाहर निकलना है तो गली में बने इस तालाब से होकर गुजरना होगा। भारी बारिश के बाद बांध के ओवरफ्लो होने से जूनागढ़ में जलभराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। गुजरात के सूरत का हाल भी जूनागढ़ जैसा ही है। पूरा शहर डूबा डूबा दिख रहा है। सड़क पर पानी, खेत में पानी और इसी पानी से गुजरती गाड़ियां। यहां इंसान तो इंसान, भगवान का घर भी पानी में डूब गया है। सूरत में बारिश का कहर ऐसा है कि इस मंदिर में भी पानी घुस गया है। वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले के नामापुर गांव में बागमती नदी में बारिश के पानी के बाद बहाव ऐसा है कि रेत की बोरियां रखी जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उससे पहले जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। दरअसल ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी का कटाव बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं। पानी के बीच बड़ी संख्या में लोग जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। गुजरात के तापी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को नदी और डैम के आसपास नहीं जाने की हिदायत दी गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।